मैथमेटिक्स जीवन का आधार है, लेकिन कम लोगों को समझ में आता है। वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मैथमेटिक्स ही सब कुछ है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनके मन में यह ख्याल जरूर रहता है कि मैथमेटिक्स उन्हें नहीं आती है या कम आती है तो दिक्कतें हो रही होती हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को जब छोटी क्लास में थे तभी से अगर थोड़ा थोड़ा करके सीखते हुए चलते तो मैथमेटिक्स की इतनी प्रॉब्लम न होती। इसीलिए मैंने छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं, जो छोटे छोटे क्लास में थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेरा वीडियो अवश्य देखना चाहिए और फिर वो समझेंगे और हमेशा याद रहेंगी चीजें। शुरू में जब ध्यान नहीं देते हैं बच्चे तो बाद में समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है मैथमेटिक्स। इसलिए जब जिस समय जिस क्लास में जो चीज है उसी समय उसको समझ में आ जाना चाहिए। थर्ड क्लास में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें थर्ड में ही तो समझ में आनी चाहिए, नहीं तो क्या है पेंडिंग पड़ा रहता है। आगे चल करके जब पढ़ाई लिखाई खत्म होती है तब फिर से पढ़ाई शुरू होती है कोचिंग वगैरह में करके कि अब डिविजिबिलिटी पढ़ना है, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल चेंजिंग क्या होती है, ये जबकि थर्ड में था। तो थर्ड की चीजें थर्ड में ही सीख दिया जाए तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। लीजिए आज मैं बता रहा हूं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जैसे कोई तरबूज है, ये एक तरबूज है कंप्लीट, तो ये तो होल नंबर है, एक तरबूज है। लेकिन अगर इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए, दो लोग हैं दोनों लोगों को मिलना हो तो एक टुकड़ा कंप्लीट नहीं होता है, पूरा तरबूज नहीं मिलता है, तब इस पार्ट को हम क्या कहते हैं कि ये हाफ है, 1/2 है, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। जब कोई नंबर कंप्लीट ना हो तो हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब कंप्लीट ना नंबर होने वाला दो टाइप से होता है, हाफ ऐसे भी लिखते हैं और कभी कभी 0.5 भी तो हाफ ही है। तो जो अनकंप्लीट नंबर है, जो नंबर कंप्लीट नहीं है, वो दो टाइप से हो जाते हैं। एक होता है ये फ्रैक्शन, प्योर फ्रैक्शन है, ये डेसिमल होता है, डेसिमल भी फ्रैक्शन ही है। तो अब हमें समझना ये है कि कैसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं या डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। छोटी क्लास का मैटर है इसलिए बहुत छोटे स्तर पर मैं बताने जा रहा हूं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। घर में छोटे बच्चे हैं उनको जरूर देखने के लिए कहिए। देखिए जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको 10 से डिवाइड करने के तरीके से लिखा हुआ है। मान लीजिए ये 9/10 लिखा हुआ है और इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहां देखिए जीरो कितने हैं, एक जीरो है, ध्यान रखना सब लोग, एक जीरो है। तो ये 9 लिखिए और इसमें डेसिमल जहां कहीं, जहां कोई नंबर डेसिमल नहीं होता है तो उसमें लास्ट में माना जाता है, यहां पर डेसिमल है, लिखा नहीं है लेकिन होता है। तो यहां से फिर डिवाइड करने में जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट लेफ्ट साइड में दशमलव हट जाता है। तो यहां पर है, यहां था लास्ट में, अब एक डिजिट पहले आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा तो ये आगे कुछ नहीं लिखा था तो वहां जीरो हम लिख देंगे। 0.9 जो है वो 9/10 ही है। तो यहां ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर लिया आपने, कितनी आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ है 7/100, ये लिखा हुआ है तो देखिए 7 लिख लीजिए। अब जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं इसमें, दो, तो दो डिजिट लेफ्ट जाना है, लास्ट में होता है, अगर दशमलव कहीं नहीं लिखा हुआ है तो लास्ट में माना जाता है। तो यहां से दो डिजिट जाइए 1, और अब एक कम पड़ रहा है तो अपने आप एक जीरो बढ़ा लीजिए, दो हो गए, यहां पर पॉइंट लगेगा और पॉइंट के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर भी जीरो आप लिख दीजिए। तो देखिए ये आ गया 7/100 को कहते हैं 0.07। और पढ़ते समय भी ध्यान रखिएगा कैसे पढ़ा जाता है, दशमलव के बाद जो नंबर होते हैं अलग अलग पढ़े जाते हैं। 07 अगर मान लीजिए यहां पर 0.289 लिखा हो तो ये 28 या 289 नहीं कह सकते, यहां पर अलग अलग ही पढ़ना है 0.289, ऐसे करके अलग अलग ही इन नंबरों को पढ़ा जाता है। अब जैसे कोई भी दूसरा नंबर है 43 लिखा हुआ है, 43, और इसको डिवाइड करना है 100 से, चलो 432 लिख लो। अब 100 से डिवाइड करना है इसको, तो यहां देखिए दो नंबर हैं, दो डिजिट हैं, दो जीरो हैं, तो दो डिजिट, यहां वही नंबर कॉपी कीजिए
और यहां से दो डिजिट गिनते हुए आइए, 1 2, बस यहां पॉइंट लगेगा। अगर डेसिमल वाले कोई नंबर होते, मान लीजिए अगला देखिए, जैसे कुछ दशमलव वाले ही पॉइंट मिल जाएं और उसमें ऐसा करना हो, जैसे 3.8 लिखा हुआ है उसको 10 से डिवाइड करना है या 100 से करना है, तो दो जीरो है तो दो डिजिट लेफ्ट जाएगा, 3.8 लिख लीजिए, जहां था वहां से अकाउंट करिए एक, अब एक यहां है नहीं तो जीरो बनाइए और फिर आगे दो डिजिट हो जाएगा, ये दो डिजिट लेफ्ट चला गया दशमलव। अब इसी तरीके से कहीं भी जैसे 3.8.4.12 ऐसे लिखा हुआ हो, 100 से डिवाइड करना हो, तो जितने जीरो होते हैं ये ध्यान रखना, ये नंबर ऐसे पहले कॉपी करो, 3.8.4.12 ऐसे कर लिया। अब देखिए दो डिजिट आपको बढ़ना है और दशमलव था कहां पर, ये यहां पर था, तो यहां से दो डिजिट लेफ्ट जाइए, 1 2, ये इतना आएगा 3. ये पॉइंट है ध्यान रखना, 3.8.4.12 ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको कहीं डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट देख करके ये बात समझनी है, ठीक है। ये है, अब आइए दूसरा रूप इसका देखिए, जहां पर डेसिमल में चीजें लिखी हुई हैं और फ्रैक्शन में आपको लिखना है। लिखा हुआ है 0.3 और यहां पर लिखा हुआ है 0.08, फिर है 3.7, मान लीजिए इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं, इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बड़ा सरल है, एक ही बार में आप ध्यान दीजिए, ऐसे इसके नीचे लाइन खींचिए। तो करना क्या है कि जहां पर ये पॉइंट लगा हुआ है ठीक इसके नीचे 1 बनाइए, फिर जितनी गिनतियां दशमलव के बाद लिखी हुई हैं, यहां एक गिनती है तो 1 0 बढ़ाइए, अब ये पॉइंट हट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, अब 3/10 आपको मिल जाएगा। कभी कभी लोएस्ट टर्म में लिखना हो, डिवाइड करने वाला नंबर मिलता है तो डिवाइड कर लीजिए, वरना यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर ये लिखा हुआ है, अपॉन करिए और ये पॉइंट के नीचे 1 बनाइए, इधर कितने नंबर है 2, तो 2 0 हो जाएंगे। अब ये हट गया, क्या आ गया, 8/100। अब देखिए कट रहा है 4 से, 4 2 8 और 4 25 जा, तो 2/25 आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए 3.7 लिखा हुआ है, तो यहां पर आप 1 लिखिए और यहां 0, तो 37/10 ये आया, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो 3 होल आ जाएगा, 7/10 इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा। कितनी आसानी से आप इस चीज को कर ले जा रहे हैं, कर ले जाएंगे। तो लीजिए इसके आगे बहुत कुछ बताना है अभी, लेकिन मैं इसी पर होमवर्क दे रहा हूं, इतना काम आज करिए, फिर कल मैं इसके आगे बहुत कुछ बताऊंगा, नोट करिए। चेंज इनटू डेसिमल, ये है 7/10, 3/100, फिर है 50/100, फिर 8/9/7/1000, और 16/1000। बस ध्यान रखना बहुत ही कि जितने डिजिट हैं, जितने जीरो हैं, उतने डिजिट लेफ्ट पॉइंट जाता है, 3.62 यहां पर पॉइंट है, 10 ऐसे करके। अब इनको आप डेसिमल में चेंज करेंगे, देखिए मिक्स है ये, डेसिमल भी लगा हुआ है और 10 से डिवाइड भी करना है, समझते रहिएगा। एक ये हो गया, अब अगला नोट कर लिया। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, मान लीजिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में चेंज करना हो, डेसिमल में लिखा हुआ हो, तो कैसे चेंज करते हैं, जैसे 0.4, फिर 0.09, फिर 0.27,
0.0047 और 106.36, ये नंबर हैं जिनको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन के बारे में फिर से एक बार देख लीजिए, मैं रिवाइज करा देता हूं कि डेसिमल के नीचे वन लिखिएगा अपॉन करके, और जितने डिजिट राइट साइड में है दशमलव के बाद नंबर उतने जीरो बढ़ा लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप उसे चेंज कर लेंगे। और जो इजी फॉर्म में लिखना होता है, कटने वाला नंबर कोई होता है, किसी एक नंबर से अगर डिवाइड हो रहा होता है तो उसे डिवाइड भी करके लिखें। लोएस्ट फॉर्म में ही रिजल्ट लिखना है आपको, फिर उसके बाद वो कटे ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिनके नंबर हैं आपके पास उनसे सलाह दीजिए कि मेरा चैनल है जी सर नाम से है मेरा चैनल, और इसको जो है देखें, छोटे बच्चों के लिए ये टॉनिक की तरीके से है और बहुत अच्छी दवा मिल रही है, और देखने दीजिए उन्हें। धन्यवाद।